दोस्तों नमस्कार, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने यहीं पे ब्लॉग एंड किया था, ये दैनिक नवज्योति का ऑफिस है और ये सामने एवर साइन टावर, ये आम्रपाली सर्किट पूरा। तो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ये ब्लॉग वैशाली को देखेंगे, वैशाली के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहे वीडियो में, पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा और बहुत सारी जानकारी भी वैशाली के बारे में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। एवर साइन टाउन के सामने ही ये गुप्ता स्टोर, और ये गुप्ता स्टोर के पास का पूरा व्यू, और ये लेफ्ट में निकलते ही अमर जैन हॉस्पिटल है यहाँ पर, और ये इस रोड का व्यू है। और सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर ये SBI का ब्रांच है, और यहाँ ये बायजूस का भी ब्रांच है। ये पूरा सामने का व्यू, आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर आप देखें, ये छोटे छोटे स्टॉल, फूड के फूड कॉर्नर एक तरह से ये रोड। यहाँ पर शाम को बहुत सारे आपको ऑप्शन खाने के मिल जाते हैं, और ये बड़े बड़े टावर यहाँ पर इसी रोड के ऊपर। सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर ये बर्गर किंग और ये सब यहाँ पर है। आइए और आगे चलते हैं। और ये वैशाली नगर सामुदायिक केंद्र यहाँ पर है, और ये सामने का पूरा व्यू है, और ये क्राउन प्लाजा, यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड, ये जैसे मोती है यहाँ पर, और बहुत सारे ब्रांड यहाँ पर। और ये सामने का भी, आइए और आगे चलते हैं। और ये नर्सरी पार्क, सुबह 5 से 9, शाम को 5 से 9। पूरा अंदर नर्सरी पार्क है इसी रोड के ऊपर, और ये रोड का सामने का व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। ये नर्सरी पार्क के बाहर बस स्टॉप, और ये सामने नर्सरी पार्क अंदर, और ये इसके बाहर का व्यू। और ये यहाँ पर नर्सरी सिग्नल है, और ये यहाँ पर पूरे बिल्डिंग और यहाँ का व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर नर्सरी सर्किल पे KFC इसी बिल्डिंग के अंदर, और ये पूरा नर्सरी सर्किल है। ये नर्सरी पार्क का गेट नंबर 3, और इस साइड से ये व्यू, इधर पूरा मार्केट। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर पार्क के पास में ही टैगोर पब्लिक स्कूल, ये इसके सामने का व्यू, और ये इसके सामने मेन रोड, और ये पूरा मेन रोड का व्यू। आइए और आगे चलते हैं। और ये नेशनल हैंडलूम वैशाली नगर का, और ये इसके बाहर का व्यू, ये जैसे मेहंदी का आर्ट हो रहा है ऐसे यहाँ पर, फूड के कॉर्नर बहुत सारे रोड साइड में वेंडर आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये इसके सामने का पूरा व्यू। आइए और आगे चलते हैं। और ये नेशनल हैंडलूम के सामने से टी पॉइंट से लिया गया व्यू, ये पूरी स्कूल की बसें, और ये सामने का व्यू। आइए और आगे चलते हैं। और ये आगे चलते ही ब्राइट लैंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये इसके सामने का पूरा व्यू।
आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर खादी हैंडलूम और भी बहुत सारे शोरूम यहाँ पर, और ये सामने की तरफ भी, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर बर्गर सिंह, आपने बर्गर किंग खाया होगा लेकिन ये मेड इन इंडिया बर्गर सिंह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है इसी रोड के ऊपर। और ये इसके सामने के पूरे व्यू, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए अम्लेस मी एंड मॉम्स, और यदि हम सामने की तरफ देखें तो मदर केयर, और ये सब यहाँ पर शोरूम दुकानें यहाँ पर हैं। आइए और आगे चलते हैं। और ये इसी रोड पे एक सिग्नल रेड लाइट, और ये यहाँ का व्यू, आइए यहाँ से सीधा निकलते हैं। और ये यहाँ पर श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, ये मेन गेट, ये अंदर का मंदिर, और ये सामने का पूरा भी, आइए आगे चलते हैं। ये मंदिर का व्यू और ये सामने का रोड, आइए और आगे चलते हैं। और ये श्री प्रताप यादव स्टेडियम सेक्टर नंबर 11 चित्रकूट, ये सामने का यहाँ का व्यू। और ये स्टेडियम अंदर से, आइए और आगे चलते। और ये सिग्नल से आगे सीधा निकलते ही मारुति का शोरूम है इसी रोड के ऊपर, और ये यहाँ का पूरा व्यू, आइए और आगे चलते हैं। और ये आई लव आइसक्रीम, यदि आप आइसक्रीम के शौकीन हैं तो आपको यहाँ आइसक्रीम भी इसी रोड पे। और यदि सामने देखें तो ये सामने यहाँ पर हुंडई का शोरूम है, ये पूरा यहाँ का व्यू है, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार वैशाली मार्ग के अंदर, ये इसी वैशाली मार्ग पे, और ये गुरुद्वारा साहब का व्यू रोड से, और ये सामने का व्यू। और ये अंदर गुरुद्वारा साहब के अंदर मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये बेचा जाता है या दिया जाता है, जो मेडिकल मेडिसिन आपको चाहिए। ये गुरुद्वारे के सामने का बड़ा बोर्ड, दवाइयों की हम बात करें तो जो दवाई आपको चाहिए वो आपको नो प्रॉफिट में दी जाती है, जिस रेट में आती है उसी रेट में यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सामने का पूरा व्यू, और ये गुरुद्वारा के अंदर का व्यू, वैशाली नगर का गुरुद्वारा, ये सामने बिल्डिंग और ये पार्क। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा ब्लॉग देखा, अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।